जैन साथी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के स्कूटनी फॉर्म डालने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट दोस्तों आप सबके ही डिमांड पर लाए हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका रिजल्ट कब आएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबको शुरू से आखिर तक देख लेना है, सारे डाउट अपना क्लियर कर लेना है। देखिए साथी, सबसे पहले हम आप सबको बता दूं, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बताइए हमारा कितने नंबर कट जाते हैं, यानी हमारे कितने नंबर कम हो जाएंगे, यदि कम होंगे तो कितने नंबर कम होंगे। बच्चे बहुत कमेंट करके पूछे हैं इस बार। साथ ही हम आप सबको सारे डाउट क्लियर कर देंगे, कितने नंबर, यानी पहला नंबर तो आप सबके मार्क्स जो घटते हैं या बढ़ते हैं ये बताऊंगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप सबका मार्क्स कितने कट जाते हैं और कितने बढ़ जाते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों कॉपी चेकिंग की बात करेंगे, कब आपका कॉपी चेक हुआ या कब होगा, सारी बातें। उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट जो है कब आने वाला है और इसमें देरी क्यों हो रही है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे, ठीक है साथी। उसके बाद दोस्तों आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, ठीक है, इसकी भी दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में जानकारी दे देंगे। क्लियर दोस्तों, आप सबको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए साथी, आप सबको सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे पहले कि कितने नंबर कट रहे हैं और कितने नंबर बढ़ रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बेसब्री से इसका इंतजार रहता है और बहुत बच्चे कमेंट करके कहेंगे सर हमको वीडियो इस पर स्पेशल बना के बता दीजिए। साथ ही इसलिए हम आपके लिए बिल्कुल, आप हमारे छोटे भाई बंधु हैं इसलिए आपके लिए बिल्कुल दोस्तों ऐसा करना मेरा दोस्तों एकदम लाजमी था, मैंने किया भी। देखिए साथी, अब आप सबको दोस्तों बता दूँ यहाँ दोस्तों कितने नंबर कटते हैं। देखिए साथी, पहला नंबर तो आप सबको बता दूँ, ये कटने की जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों बिल्कुल दोस्तों न के बराबर होती है, ठीक है। आपके नंबर बहुत ही दोस्तों कम चांस है कि कटेगा। अब दोस्तों उसमें देखिए कटता किस कंडीशन पे है, जैसे कि आपका दोस्तों मार्क्स आप गलत तरीके से मान लीजिए टीचर ऐड कर रहे हैं, आपका ऐड करने के दौरान मान लीजिए 40 नंबर आपका बनता है, उन्होंने 45 नंबर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसमें दोस्तों होता क्या है कि आपकी काउंटिंग जब वो ठीक तरीके से करेगा तो आपका 40 आएगा नंबर, जब वो 40 आएगा नंबर तो कहेगा यहाँ पे तो 45 लिखा है, मैंने कहीं गलती कर दिया क्या। दोबारा वो चेक करेगा, दोबारा वो काउंटिंग करेगा, उसमें भी दोस्तों आपको 40 आता है तो वो अपना जो 45 लिखा हुआ है दोस्तों उसको काट के वो अपना 40 कर देता है, 40 आउट ऑफ दोस्तों चाहे 70 मार्क्स का पेपर हो चाहे 100 हो, वो दोस्तों इस तरह से लिख देता है। तो इस तरह से साथ ही आप सबका होता है, ठीक है। तो बस केवल कंडीशन एक ही बनता है, बस दोस्तों काउंटिंग के दौरान यदि गलती हो जाती है एग्जामिनर से, जब दूसरा एग्जामिनर चेक करता है तो उसमें दोस्तों ठीक कर देता है, उसी समय दोस्तों गलत होता है। बाकी दोस्तों 100% दोस्तों मार्क्स बढ़ते हैं बच्चों का, बिल्कुल दोस्तों हम आपको बता दूं, ठीक है, सभी बच्चों का बढ़ता है। घटने की पॉसिबिलिटी बहुत दोस्तों रेयर में होता है, किसी किसी बच्चे का होता है, बाकी किसी का होता नहीं है। ये एग्जामिनर की गलती होती है, जो कॉपी चेक करता है उसकी गलती होती है, उसी कारण दोस्तों जब दूसरा एग्जामिनर चेक करेगा तो दोस्तों पकड़ लेता है कि हाँ ये काउंटिंग में गलती किए हैं जो सर चेक किए थे, इसको हम ठीक कर देते हैं, तो ठीक कर देता है, ठीक है साथी, इस तरह से गलती होती है। उसके बाद दोस्तों कॉपी चेक हुई कि नहीं, तो साथी बता दूं आप सबकी कॉपी स्कूटनी वाली चेक हो चुकी है, 10वीं 12वीं दोनों बच्चों का पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली चुकी है। उसके बाद इसका दोस्तों रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है दोस्तों, आप सबको बता दूं देरी दोस्तों इसलिए हो रही है क्योंकि दोस्तों 2019-21 से, ठीक है, अभी 2003 तक के, कितना 2003 तक के जितने भी डॉक्यूमेंट दोस्तों यूपी बोर्ड बना रहा था ये सब दोस्तों ऑफलाइन था, ऑनलाइन दोस्तों रिजल्ट नहीं शो करता था। उस टाइम दोस्तों आप सबका रिजल्ट पेपर में निकाला जाता था। उसके बाद दोस्तों 1921 से 2003 तक दोस्तों जो डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए रिजल्ट आपका जो भी निकला है उसमें जो अंक दिए गए हैं दोस्तों वो पूरा दोस्तों क्या करते थे, वो अपना रिकॉर्ड दोस्तों रजिस्टर की तरह बना के यूपी बोर्ड अपने पास रखता भी था कि मान लीजिए आपका रिजल्ट खो गया तो आप दोबारा आएंगे लेने हमारे यहाँ, तो हम आपको क्या करेंगे वो रजिस्टर खोल के दोबारा वही जो अंक दिया गया था वही सेम अंक से दोस्तों आप सबको बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर देंगे और दोस्तों रिजल्ट बना के दे देंगे। ऐसा दोस्तों हमेशा करता रहा, लेकिन 2003 का अब जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसको बोर्ड के सारे अधिकारी मिलकर, ये दोस्तों ऊपर से आदेश आया है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का और दोस्तों जो बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी हैं, ये दोस्तों दोनों लोग बिल्कुल लग के दोस्तों आप सबका ये जो इतना दोस्तों इनके बीच जो दोस्तों बच्चे थे इन सभी का दोस्तों ऑनलाइन कर रहे हैं वो रिजल्ट को, ठीक है, सभी का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डाल रहे हैं। तो उसमें दोस्तों सारे अधिकारी सारे दोस्तों अपना कर्मचारी लोग सब व्यस्त हैं जिसके कारण दोस्तों आपका दोस्तों रिजल्ट जारी करने में लेट हो रहा है। साथ ही अब इसकी दोस्तों पॉसिबिलिटी हाँ जल्द आएगा, लेकिन दोस्तों इसका कोई दोस्तों डेट नहीं, हम इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं क्योंकि दोस्तों अभी लेटेस्ट दोस्तों हमको अपडेट मिला है। इसका प्रूफ दोस्तों लाइव प्रूफ आपको कल मॉर्निंग में हम आपको दिखाएंगे, पूरा दोस्तों हम दिखाएंगे पूरी अपडेट, ये दोस्तों आपके पूरा लाइव प्रूफ हम दिखाएंगे, पूरी प्रोसेस एक एक चीजें दिखाएंगे कि हाँ देखो ये चीज थी, एकदम आप सबको पूरा भरोसा होगा उस पर, ठीक है, पूरा दोस्तों हम दिखा के कराएंगे, आपको बता देंगे समझा देंगे, ठीक है साथी। तो इसलिए दोस्तों आप सबको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट दोस्तों हाँ एक कंफर्म है कि जून में ही आ जाएगा, जून में क्लियर है 110% दोस्तों आप सबका रिजल्ट आ जाएगा ये दोस्तों। लेकिन डेट की बात करोगे दोस्तों तो हम यही कहेंगे कि 20 तारीख
तारीख के आसपास आएगा, 20 तारीख के आसपास जून, ठीक है, 20 जून के आसपास आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आने में देरी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथी, उसके बाद दोस्तों कब आएगा, तो 20 तारीख तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा दोस्तों, तो प्रैक्टिकल एग्जाम दोस्तों आपका 20 तारीख के पहले किसी भी दिन कराया जा सकता है, या दोस्तों वो बोर्ड के ऊपर है वो कहाँ लेके जाता है। ठीक है, अभी दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 20 तारीख के पहले पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है कि करा लिया जाएगा, किसी भी दिन दोस्तों आप सबको बिल्कुल मिल जाएगा डेट। आप सब जाएंगे, आपके करीबी दोस्तों किसी भी विद्यालय में रखा जाएगा, कैंपस के रूम में वहाँ पर जाएंगे, सभी वहाँ पर अधिकारी ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, वो दोस्तों आपका प्रेयर कर लेंगे, सभी बच्चे अपना वाइवा देंगे जो फेल हुए थे। ठीक है साथी, तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बहुत अथॉरिटिक तरीके से दोस्तों पूरी बातें बताई है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी दोस्तों आप सबको किस टॉपिक के नया वीडियो चाहिए आप बताएगा, हम उसको जल्द ही जल्द दोस्तों शुरू कर देंगे। अब आप सब किस सब्जेक्ट में फेल हो उसको भी बताइए, कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी, उनके भी दोस्तों पूरा हेल्प किया जाएगा। अब दोस्तों क्लासेस शुरू कर देंगे अब, ठीक है, अब ज़्यादा लेट नहीं। ठीक है, और दोस्तों आप सबको दोस्तों हम बता दूँ कि आप सबका दोस्तों लाइव प्रूफ कल मॉर्निंग में हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा बिल्कुल दबा के अच्छे तरीके से। ठीक है, उसको दोस्तों बिल्कुल अच्छे में पूरी हम पूरी बातें आपको प्रोसेस बताएंगे, जो भी मैंने बताया कि आप सबके 2019 से लेकर 2003 तक के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है साथी, बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।